हेलो गाइस, माय नेम इज अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। देखिए, अभी हम लोग सम और एनी को समझ रहे थे। सम और एनी एज एन एडजेक्टिव सेंटेंस में कैसे यूज होता है, हमने उसके पार्ट वन, सम और एनी के ही पार्ट वन वीडियो में कुछ बेसिक रूल्स कंप्लीट किए थे। उसके बाद पार्ट टू में उससे रिलेटेड सेंटेंस किए थे और रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंस में हमने सम और एनी पुट किया था। आज हम एक एनी का मिसलिनियस रूल है, मतलब कि छोटे मोटे रूल ऐसे ही थोड़े बहुत और भी हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए एनी, हम ये जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें हम जनरली सम का जो यूज करते हैं, मतलब कि सम और एनी में से अगर हमको कुछ चूज करना है तो हम सम यूज करते हैं। मगर अफर्मेटिव सेंटेंस में आप ये नहीं कह सकते कि एनी नहीं आ सकता। एनी एक पोजीशन पे आ सकता है, कब आएगा, जब एनी किसी भी के रूप में यूज हो रहा होगा, मतलब कि किसी भी के अर्थ में जब यूज हो रहा होगा तब हमारा एनी आ सकता है। तो देखिए यहां पर इंग्लिश में मैंने लिखा है कि इट डजंट मैटर विच, कि कोई भी हो सकता है, कोई भी किसी भी के अर्थ में एनी आ सकता है अफर्मेटिव सेंटेंस में भी। तो हम ये नहीं कह सकते कि अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी यूज नहीं हो सकता। कब यूज हो सकता है वो मैंने आपको बताया। तो यहां पर वही लिखा है, इन दिस मीनिंग एनी इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी यूज हो सकता है अगर एनी जो है इस मीनिंग में आया हो, किसी भी और कोई भी के रूप में आया हो। तो फिर देखते हैं सेकंड पॉइंट है, इन नेगेटिव सेंटेंस जस्ट एनी इज यूज। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस में अगर हमको किसी भी और कोई भी के अर्थ में यूज करना है एनी को, तब हमको एनी से पहले जस्ट भी लगाना होगा और हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर देंगे। तो चलिए तीन सेंटेंस लिखे हैं, उससे हम समझेंगे कि कैसे एनी को यूज किया जा रहा है यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस होने के बावजूद। तो पहला सेंटेंस है, एनी डॉक्टर विल टेल यू दैट स्मोकिंग इज बैड फॉर यू। देखिए ये सिंपल एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कि कोई बात को डिक्लेयर करते हैं। ओके, अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने ये चीज देखी कि एनी डॉक्टर विल टेल यू दैट स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, तो बैड फॉर यू। तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई एक स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाएंगे वही आपको बताएगा? अगर आप दूसरे कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो नहीं बोलेगा कि आपको स्मोकिंग जो होता है वो खराब है आपकी हेल्थ के लिए। कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको ये कहेगा कि स्मोकिंग खराब है। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो मैंने देखिए बोला कोई भी डॉक्टर, तो यहां पर कोई भी एनी कोई भी के अर्थ में आ रहा है, तो यहां पर हम एनी यूज कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी हमने एनी इसलिए यूज किया यहां पर क्योंकि ये जो एनी आया है वो कोई भी के अर्थ में आया है, इसी वजह से हमने यहां पर इस सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी सम की जगह पर एनी यूज किया। एनी डॉक्टर विल टेल यू दैट स्मोकिंग इज बैड फॉर यू। सेकेंड, कम एनी टाइम यू लाइक, अब आप आओ किसी भी समय जब आप चाहो। तो देखो अगर आप देखते हो भाई कि किसी भी समय, तो मैं यहां बात कर रहा हूं किसी भी समय आप आ सकते हो, कोई भी समय आप आ सकते हो जब आपको अच्छा लगे। तो मैं जब किसी भी के अर्थ में जब यूज करूंगा तो मैं अफर्मेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी सम की जगह पर क्या यूज करूंगा, एनी यूज करूंगा। ओके, तो यहां पर लिखा है कम एनी टाइम यू लाइक। थर्ड, आई डोंट डू जस्ट एनी वर्क, आई चूज जॉब्स दैट इंटरेस्ट मी। पहले तो हमको ये देखना है कि ये नेगेटिव है कि नहीं। बिल्कुल डोंट आ रहा है तो ये नेगेटिव है ना, कि जहां पर सेंटेंस में ना आ जाए तो समझिए नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम सिर्फ इसमें एनी, कोई भी और किसी भी के अर्थ में सिर्फ एनी नहीं लिख सकते, वो सिर्फ हम अफर्मेटिव में लिख सकते थे, उसमें अलाउ था कि अफर्मेटिव में हम एनी लगा सकते हैं। मगर अगर हमको इसी को नेगेटिव में यूज करना है, एनी को ही किसी भी और कोई भी के अर्थ में, तब हमको क्या करना पड़ेगा, जस्ट एनी से पहले जस्ट लगाना होगा, ये बन जाएगा जस्ट एनी। तो यहां पर वही लिखा हुआ है, आई डोंट डू जस्ट एनी वर्क, मैं कोई भी काम नहीं करता, आई चूज जॉब्स दैट इंटरेस्ट मी, जो मुझे, मैं वही जॉब करता हूं जो मुझे अच्छी लगती है, मैं वही जॉब को चुनता हूं जो मुझे अच्छी लगती है, जो मेरे इंटरेस्ट की होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे एनी को अफर्मेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी हम एनी को यूज कर सकते हैं, तब यूज कर सकते हैं जब एनी कोई भी और किसी भी के अर्थ में आया हो। तो चलिए, तो यहीं खत्म करते हैं इस वीडियो को, और इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ छोटे मोटे मिसलिनियस रूल्स होते हैं तो मैं वो आगे आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगा। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।